हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू नॉटिस स्टिचेस। आज के इस वीडियो में हम पिंटक्स और लेस से कुर्ती की स्लीव्स का एक सुंदर सा डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कमीज़ के कपड़े में से एक पट्टी कट की है, जिसकी चौड़ाई मैंने 6 इंच ली है और इसकी लंबाई आप उतनी ही लीजिएगा जितनी आपकी बाजू की चौड़ाई हो। अब हम इसे आगे से 1 इंच इस तरह फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक कच्चा टांका लगाएंगे। ये सिलाई हम डिज़ाइन पूरा होने के बाद निकाल देंगे। अब हम इसे एक बार फिर से फोल्ड करेंगे इस तरह से, और अब हम इसके बीच में एक लेस दबाएंगे। सिंगल एज वाली लेस हमें यहाँ पर लेनी है। तो इस तरह से हम इस लेस की किनारी को इस कपड़े के नीचे दबा देंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। अब हम इसकी किनारी पर भी सिलाई लगा लेंगे और एक सिलाई हम इसकी लेस के ऊपर यहाँ भी लगा लेंगे ताकि लेस अच्छे से अटैच हो जाए। अब हम इसका कच्चा टांका निकाल देंगे। अब हम यहाँ पर पिंटेक्स डालेंगे। लेस से तकरीबन 1/2 इंच की दूरी पर हम इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करेंगे और बिल्कुल बारीक बारीक सिलाइयाँ यहाँ पर लगाएंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो पहले स्केल और चॉक की हेल्प से सीधी सीधी लाइंस ड्रॉ कर लीजिए और उसके बाद ही पिंटेक्स लगाइए। तो इस तरह से तकरीबन 1/2 इंच की दूरी पर हमें 3 पिंटेक्स बनाने हैं यहाँ पे। अगर आपको बॉर्डर थोड़ा ज़्यादा चौड़ा चाहिए तो आप ज़्यादा पिंटेक्स भी बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 3 पिंटेक्स बना लिए हैं और अब हम इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस बॉर्डर को अच्छे से प्रेस कर लिया है और अब हम इसके ऊपर इस तरह की कोई लेस लगाएंगे। तो ये सीक्वेंस वाली लेस है, आप चाहे तो सिंपल लेस भी लगा सकते हैं। लेस को हमें उल्टा करके इस तरीके से बॉर्डर के ऊपर रखना है कि बॉर्डर की राइट साइड और लेस की राइट साइड एक दूसरे को फेस करे। अब इसकी किनारी पर सिलाई लगा के हम इसको सीधा करेंगे और एक टॉप स्टिच कपड़े के ऊपर लगाएंगे इस तरह से। बिल्कुल सफाई से हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है, बिल्कुल भी टेढ़ी सिलाई नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से मैंने ये बॉर्डर बनाकर तैयार कर दिया है। अब हम इसको बाजू की राइट साइड पर उल्टा करके रखेंगे। इस तरीके से हमें इस बॉर्डर को बाजू के ऊपर रखना है कि बाजू की राइट साइड और बॉर्डर की राइट साइड एक दूसरे को फेस करे। अब इसकी किनारी पर मैंने सिलाई लगा दी है और अंदर से हम एक्स्ट्रा कपड़ा काट देंगे। अब हम इसको सीधा करेंगे और यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगा देंगे। इस तरह से पिंटेक्स डाल के बहुत ही आसानी से हमारा ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगा और बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो अब हम इसको फोल्ड करके फिटिंग वाली सिलाई लगा देंगे। जितनी भी चौड़ी आपको स्लीव्स तैयार करनी है आप अपने मेजरमेंट्स के हिसाब से यहाँ पर फिटिंग वाली सिलाई लगा लीजिए। और ये देखिए, स्लीव्स का हमारा ये सिंपल सा डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुका है। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियोस के रेगुलर अपडेट सबसे पहले मिल सकें। साथ ही आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।